हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब फाइनली अब मैं सिर्फ अपना नहा के टॉवल सुखा रही हूँ और उसके बाद मेरा सारा काम हो चुका है। कपड़े आज धुल चुके हैं और आज शरीर का फर्स्ट डे था छुट्टी का, तो वो घर पे ही थी। और उसी के साथ जो था ना, काफ़ी सारा काम था, सुबह सुबह मैंने निपटा लिया। अभी बजे हैं 11:30। मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है सुबह का, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ ऐसा बना लूँ जो मैं मतलब एक ब्रंच की तरह ले लूँ जिसको। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए बना देती हूँ आज थोड़े से राइस, क्योंकि राइस मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ राइस खाना। तो बस यही है। और पीछे जो है ना, धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है चारों तरफ। और जो मैं राइस बनाने जा रही हूँ ना, वो है पेपर राइस, मतलब जिंजर गार्लिक और पेपर के राइस बनेंगे। वो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास बन जाएंगे। अगर आपको पसंद आया ना, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल का लुक ये है कि कपड़े सूख चुके हैं, मेरे काम हो चुके हैं, और शीरी क्या कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही श्री, और श्री अपना होली का होमवर्क कंप्लीट कर रही है, कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रही है। और बारिश हो रही है, वैसे ना मौसम इतना मतलब ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है। अभी एसी हमने कुछ नहीं चला रखा है, फैन में आराम से बैठे, विंडो भी बंद कर रखी है, तो उसी तरह हवा आती है इसमें से। और अभी इसका काम हो जाएगा थोड़ी देर में, पूरा दिन खेलेगी। इसने प्रॉमिस किया है कि पहले ये पढ़ेगी और फिर बाद में ये आराम से पूरा दिन खेलेगी। और बस तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना लंच, साथ में ब्रंच, मतलब साथ में वो राइस बनाने के लिए। और आपके साथ शेयर करूँगी इसकी वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नया है ना, तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस। 1 कप बासमती राइस लिए हैं। आपके पास अगर कोई और राइस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको बनाने का जो तरीका है ना, वो हमें खुली आंच में इसको उबालना है, जिससे कि चावल जो है ना वो चिपके नहीं, खिले खिले से बने। और उसी के साथ पे गैस पे मैंने इनको पतीले में उबालने के लिए रख दिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि उबलने के बाद जो है मुझे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। हमने उन चावलों को पूरे पानी में पकाना है, तो बस उसको छान के मैंने अलग करके रख लिया है। इसको ढकेंगे नहीं, ढकने के बाद ना चावल और ज़्यादा पक जाएंगे और थोड़े चिपकने भी लग जाते हैं, तो बस इस बात का छोटा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है ना, आप डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, और इसी में हम डाल देंगे अब लहसुन। लहसुन मैंने जो है ना काट लिया था छोटा छोटा, अगर आप चाहें तो उसके बड़े बड़े क्यूब्स भी काट सकते हैं, या पीस के भी डाल सकते हैं। उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है चावलों में। इसी के साथ मैंने डाल दिया है अनियन। यहाँ एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यूज़ करी है, और उसी के साथ मैंने डाला है रेड कैप्सिकम, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ बीन्स और शिमला मिर्च, येलो वाली मतलब पीली वाली शिमला मिर्च। अगर आपके घर में ये वाली सब्ज़ी ना हो और कोई और सब्ज़ी हो, जैसे कि मटर, गोभी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्ज़ियाँ तो कोई भी हों अच्छा टेस्ट ही देती हैं। उसके बाद डाला मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट के, क्योंकि मुझे खाना था थोड़ा सा स्पाइसी खाना। और उसके बाद मैंने डाल दिया अपने उबले हुए चावल, जो कि मैंने भी स्ट्रेन करके रखे हुए थे। और इसके ऊपर से हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेशली मैंने कूटी थी और वही मैं यूज़ कर रही थी। अगर बस मार्केट की हो कुटी हुई, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने डाला है सोया सॉस। सोया सॉस जो था ना, मैंने थोड़ा सा थोड़ा ही डाला था, क्योंकि मेरे पास जो सोया सॉस है वो थोड़ा सा हार्ड वाला सोया सॉस है। तो अगर आप स्लाइट सोया सॉस हो तो आप 1 टेबल स्पून कर दीजिएगा, और हार्ड वाला है तो 1/2 टेबल स्पून, और ना हो तो उसको आप हटा भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला चावलों में। और ये बनने के बाद जो है ना, एक्चुअली में बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छा कलर आया था इसका सोया सॉस से। पर अगर सोया सॉस के बिना भी अगर आप इसको बनाते हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बस हमारा ये चावल जो है बनके तैयार है, मेरा जो दोपहर का ब्रेकफास्ट है वो भी बनके तैयार है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी छोटी छोटी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। और अपना ध्यान रखिएगा, चलते हैं।